भैया आप ही हैं, बताइए ये पाम ले गए हैं। ठीक है, हमारे पास दो तीन एक्वेरियम है, हर एक दिन दो दिन पे इस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। पाँच फीट वाला हमारे पास एक्वेरियम है, इसमें तो ये वर्क ही नहीं कर रहा। ऐसा दीजिए, पैसा कुछ ज़्यादा लीजिए, लेकिन हमको बढ़िया चाहिए। बार बार हमको बंद करके दुकान ना आना पड़े। अभी हम देखिए दुकान बंद करके आए, अपना दूसरे आदमी को बैठा देंगे। ऐसा दीजिए कि हम कम से कम दो चार महीना निश्चिंत रहें। पैसा जो हो आप बढ़ा के लीजिए, सामान हमको अच्छा दीजिए। ठीक है, क्या आपकी भी यही शिकायत है क्या? आपके भी बड़े बड़े टैंक में छोटा पंप काम नहीं करता क्या? आपके पास भी जितने टैंक है उतने आपको पंप लगाने पड़ते हैं अपने एक्वेरियम में? भी इन छोटे छोटे पंप की आवाज से परेशान हो गए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आपके लिए आ चुका है सोबो का SB948 चार नोजल वाला पंप। चाहिए, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको सेटअप कैसे करते हैं आइए देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मछली का यूट्यूब चैनल विद GHR। और आज हम बात करने वाले सोबो के एयर पंप के बारे में, जो कि 4 फीट 5 फीट यहाँ तक कि 8 फीट तक के एक्वेरियम के लिए आइडल है। तो ये है हमारे पास सोबो का एयर पंप SB948 चार नोजल वाला। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान मिला। आप देख सकते हैं सिर्फ मशीन है, अंदर बॉक्स में कुछ भी नहीं है, पाइप कुछ नहीं दिया है इसके साथ। और ये आप देख सकते हैं इसमें चार नोजल दिया हुआ है, कुछ यूज़र मैनुअल है जो कि चाइनीज़ में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक एक गारंटी पेपर है जिसको क्लेम करने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार नोजल दिया हुआ है, सॉफ एग्जॉर्ब करने के लिए रबड़ दिए हुए नीचे ताकि ये वाइब्रेट करे तो आवाज़ नहीं आए मशीन की। और ऊपर एक एयर कंट्रोलर दिया हुआ है। तो चलिए इसको अपने एक्वेरियम में सेट करके देखते हैं ये कैसा काम कर। लगा लिए हैं, एक बड़ा एयर स्टोन भी है जो छोटा मशीन से नहीं चल पाता, देखते हैं कितना प्रेशर है, इससे चलता है कि नहीं इस मशीन से। हम जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पाइप को अच्छे से फिक्स कर लेना, तो हो सकता है कि एयर के प्रेशर के कारण ये पाइप बाहर निकल जाए। चलिए अब इसका प्लग लगा लेते हैं। और मशीन चालू हो गया है, आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल आवाज नहीं है। हम इसको अब पानी में डाल के देखते हैं कितना प्रेशर देता है ये। मैं वन बाय वन पानी में डाल रहा हूँ। ये देखिए बड़ा वाला एयर स्टोन, अभी तो ये भी चल रहा है। दो फीट डीप करने पे भी मशीन चल रही है अभी ठीक ठाक। आप देख सकते हैं 2 फीट डीप करने के बाद तीनों एयर स्टोन ठीक चल रहे हैं, लेकिन बड़ा वाला नहीं चल रहा था। हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब मैंने धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया तो आप देख सकते हैं तीनों चलने लगा। तीनों को थोड़ा दूर दूर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस मशीन का। आप 8 फीट के एक्वेरियम में भी इस मशीन को लगा सकते हैं। बड़ा वाला एयर स्टोन आप देख सकते हैं ये भी चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है इस बड़े स्टोन में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो नोजल को टी की हेल्प से जोड़ सकते हैं और एक बड़े एयर स्टोन में लगा सकते हैं ताकि उसका प्रेशर और बढ़ जाए। तो इन कस्टमर की बात से ऐसा लग रहा था कि इनका पंप बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, और इनका कहना था कि ऐसा पंप दीजिए जो 3 महीने आराम से चल सके। लेकिन अभी जो मैं आपको पंप दिखाने वाला हूँ वो 3 महीने नहीं, 3 साल 5 साल आराम से चलेगा, और अगर आप इसकी केयर करते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। हेलो हेलो।